गुड मॉर्निंग क्लास 8। सो लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 9, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट सम इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस। सो इन टूडेज क्लास वी विल लर्न अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल। Out of these, one should be male and second should be female. Each individual has its own reproductive system. The fertilization of gametes. Gametes are those cells which takes part in reproduction. Fertilization of gametes take place inside the female body. Means the type of fertilization takes place in human reproduction is internal fertilization. So first of all, let's study about the reproductive system in males and females, right? So first we will study about male reproductive system. The male reproductive system consists of the following organs. First is testes. They are two in number and are oval in shape. They lie within the scrotum. Scrotum is a bag-like structure hota hai, jiske andar jo testes hoti hai, wo situated hoti hai outside the abdominal cavity. कैविटी एक बोनी स्ट्रक्चर को बोलते हैं। एब्डोमिनल कैविटी वो कैविटी होती है जो हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। टेस्टिस का काम क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म, राइट। स्पर्म डक्ट्स, स्पर्म डक्ट्स को बेटा हम वास डिफरेंस भी बोलते हैं, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। दोनों का नाम अलग अलग है, मतलब एक ही चीज है बट नाम अलग है। बेसिकली दे आर ट्यूब्स, राइट। सो वन फ्रॉम ईच टेस्टिस, एज वी हैव टू टेस्टिस, सो देयरफॉर देयर आर टू स्पर्म डक्ट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू बोथ टेस्टिस। इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है दे कैरी स्पर्म टू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा मीन जहाँ से यूरिन पास होता है मेल्स के अंदर। सो ये टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं और ट्रैवल होते हैं स्पर्म डक्ट और वास डिफरेंस के थ्रू और कहाँ तक आते हैं? यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा पासिस थ्रू द पीनस एंड ओपन्स एट इट्स टिप्स। जो यूरेथ्रा होता है वो पीनस से पास होता है और टिप्स पे आके ओपन होता है। पीनस इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है? इट डिलीवर्स द स्पर्म इन टू द वजाइना ऑफ द फीमेल, राइट, फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका काम होता है स्पर्म को फीमेल के वजाइना में डिलीवर करता है फॉर फर्टिलाइजेशन, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेट्स स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फीमेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। ओवरीज, बेटा जो काम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का होता है वही काम यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का होता है। They are situated in the abdominal cavity. Ovaries produce ova or eggs. ये female gametes होते हैं जो reproduction में participate करते हैं। इनको ova भी बोलते हैं as they are plural और eggs भी बोलते हैं। Oviducts are fallopian tubes. Different names but same meaning. और इनका काम बेटा वही होता है जो male reproductive system में sperm ducts का था। They are thin and coiled muscular tubes which join the uterus to the ovaries. जो कि uterus को ovary से join करता है और जो eggs होते हैं वो ovary में बनते हैं but travel होते हैं oviduct के through uterus तक, right? Uterus, it is a broad muscular chamber. Chamber means ये एक bag-like structure होता है where the fertilized ovum develops into a baby. मतलब जब हमारा एग जो होता है वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है तो वो फर्टिलाइज हो जाता है, वो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद वो ओविडक्ट के थ्रू ओविडक्ट से ट्रैवल डाउन करके यूट्रस में आता है। यूट्रस में जाके वो यूट्रस के वॉल से एम्बेडेड हो जाता है, मतलब वहां से चिपक जाता है और फर्दर डेवलपमेंट जो होती है उस जाइगोट की इनटू अ बेबी वो कहाँ पे होती है? यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट इज वजाइना। द एरिया यू कैन सी इन दिस पिक्चर इज दिस इज नोन एज वजाइना। बेसिकली जो यूट्रस होता है वो ओपन होता है एक दूसरे चैम्बर में विच इज नोन एज वजाइना। इट रिसीव्स स्पर्म फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। और वजाइना का काम क्या होता है? ये पेनस से
स्पर्म को रिसीव करता है फॉर द फर्टिलाइजेशन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नेक्स्ट इज नॉलेज डेक्स, ठीक है, एन इंटरेस्टिंग नॉलेज डेक्स फॉर यू ऑल. डू यू नो अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबीज? सुना होगा आपने, है ना, मूवीज वगैरह में भी आता है टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट. सो वॉट इज दिस टेस्ट ट्यूब बेबी? जनरली जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो बेबी टेस्ट ट्यूब में होता है वो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, बट ऐसा नहीं होता. एक्चुअली होता क्या है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, मीन्स जो स्पर्म ओवम से मिलता है, वो एंटीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट में होता है, मतलब ओविडक्ट के अंदर होता है. एंटीरियर पार्ट मतलब उसके आसपास ही होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इन सम वुमेन द ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड, राइट? अब क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, जो एग ओवरी में बनते हैं और ओविडक्ट से ट्रैवल करते हैं, राइट? तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में होता है. जो स्पर्म्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू ट्रैवल करके ओविडक्ट तक पहुंचते हैं. लेकिन कुछ वुमेन्स में जो होता है वो ओविडक्ट क्या होती है, ब्लॉक्ड होती है, राइट? मतलब बंद होती है किसी भी रीजन की वजह से. द स्पर्म कैन नॉट रीच द ओवम. अब क्योंकि ब्लॉक्ड होती है तो स्पर्म जो होते हैं वो ओवम तक नहीं पहुंच पाते. सो द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस हैड मेड इट पॉसिबल. अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो दैट सेल और दैट ओवम विल नॉट डेवलप इनटू अ बेबी, राइट? सो अब साइंस की वजह से क्या होता है, आजकल ऐसा नहीं होता कि भाई जो जिन लेडीज की या जिन फीमेल्स की ओविडक्ट ब्लॉक है, दे कैंट बिकम मदर. दे कैन बिकम मदर. उसमें क्या होता है बच्चे, द फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड द स्पर्म आर कलेक्टेड एंड केप्ट टुगेदर फॉर फ्यू आवर्स फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, राइट? इसमें हम क्या करते हैं, टेक्निक्स के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू, फीमेल से फ्रेशली एग्स लेते हैं और मेल से फ्रेशली प्रिपेयर स्पर्म लेते हैं. उनको टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और कुछ घंटे के लिए उनको रखते हैं सो दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, राइट? बट इन दिस केस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. दिस इज कॉल्ड IVF और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन. और इसको हम IVF भी बोलते हैं और इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, और जब उसको देखते हैं तो हम देखते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक. और उस जाइगोट को हम एक हफ्ते तक वहीं उसी टेस्ट ट्यूब में डेवलप होने के लिए छोड़ देते हैं सो दैट कि हम देख सकेंगे फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ. एंड देन इट इज प्लेस्ड इनटू द यूट्रस ऑफ मदर. और फिर कुछ टेक्निक्स के थ्रू वो जो जाइगोट होता है वो यूट्रस ऑफ मदर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और जो फर्दर डेवलपमेंट होती है बेबी की वो एक नॉर्मल बेबी की तरह ही मदर के यूट्रस में होती है. सिर्फ नॉर्मल प्रेगनेंसी में और इसमें क्या डिफरेंस होता है बेटा, सिर्फ ये कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है. बट इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है. दैट्स व्हाई द बेबी रिप्रोड्यूस बाय इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज, राइट? आफ्टर दिस देयर इज अनदर प्रोसेस व्हिच इज नोन एज ओव्यूलेशन. अब जो बेसिकली ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. फीमेल की ओवरी से जब ओवम रिलीज हो जाता है, ओविडक्ट में आ जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन. इन ह्यूमन बींग्स और इन फीमेल्स ओनली वन एग इज रिलीज एवरी मंथ बाय ईदर ऑफ टू ओवरीज अल्टरनेटिवली. मीन्स एक महीने में एक ही बार दोनों में से किसी एक ही ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है अल्टरनेटिवली. मीन्स एक बार एक ओवरी करेगी फिर दूसरी बार नेक्स्ट ओवरी करेगी. द ओवम और एग इज फिक्स्ड अप द ओविड्यूकल फनल ऑफ फिम्ब्रे ऑफ ओविडक्ट. फिम्ब्रे ऑफ ओविडक्ट मतलब जो उसका माउथ होता है, फनल जो होता है जहां से ओवरीज ओविडक्ट से कनेक्ट होती है, वो उसको रिसीव कर लेती है. आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस. इन ह्यूमंस द फर्टिलाइजेशन और यूनियन ऑफ स्पर्म और ओवम अकर्स इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ ओविडक्ट, राइट? ओविडक्ट के अंदर होता है. मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द मेल एंड गेट ट्रांसफर्ड इन टू द बॉडी ऑफ द फीमेल. जो मेल्स होते हैं वो रिलीज करते हैं मिलियंस ऑफ स्पर्म और फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं.
वन फ्रॉम सो मैनी स्पर्म कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एग एंड फ्यूजेस इट विद द रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. इतने सारे स्पर्म में से बच्चे सिर्फ एक ही स्पर्म होता है जो एग तक पहुंच पाता है और फर्टिलाइजेशन करता है और फॉर्मेशन ऑफ जायगोट में रिजल्ट करता है. राइट, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. एज फॉर्मेशन ऑफ जायगोट रिजल्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. जैसे ही आपका जायगॉट बन गया, इट मीन्स अ न्यू ह्यूमन बींग और न्यू ऑफस्प्रिंग इज गोइंग टू रिप्रोड्यूस. राइट, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो. अब जो ह्यूमन बेबी होता है वो किस तरीके से डेवलप करता है. जो जायगॉट बनता है वो बेटा एक सिंगल सेल होता है. फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत जल्दी जो जायगॉट होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है. राइट, व्हाइल डिसेंडिंग डाउन, मतलब अब जो फर्टिलाइजेशन हुआ था वो ओविडक्ट में हुआ था, तो जब वो ओविडक्ट से नीचे उतरता है यूट्रस की तरफ, द जायगॉट डिवाइड्स रिपीटेडली एंड गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स. अब क्या होता है, जो जायगॉट होता है वो कंटिन्यू डिवाइड होता चला जाता है और बॉल ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. जब बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेल्स बन जाते हैं तो वो अपना ग्रुप फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं. तो ये जो सेल्स होते हैं डिफरेंशिएट हो जाते हैं. डिफरेंशिएट मतलब अपने ग्रुपिंग कर लेते हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग. फिर जब ग्रुपिंग हो जाती है तो डेवलप इंटू टिश्यू, देन इंटू ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ये जो एक सेल से ऐसे एक ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो. राइट, ऑन रीचिंग द यूट्रस, जब जायगॉट जो एम्ब्रियो होता है जब वो यूट्रस तक पहुंचता है, द एम्ब्रियो अटैचेस इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूट्रस बाय प्लासेंटा. प्लासेंटा बेटा एक अलग से एक ऑर्गन डेवलप होता है फीमेल्स के अंदर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. राइट, तो उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो उस प्लेसेंटा की हेल्प से ही क्या हो जाता है, यूट्रस से चिपक जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन. द एम्ब्रियो ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा. प्लेसेंटा की हेल्प से ही एम्ब्रियो को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मदर की बॉडी से एंड कंटिन्यूज टू ग्रो एंड डेवलप ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स. Woman with embryo attached to the uterine wall is called pregnant and this condition is called pregnancy. जिस woman के uterus में embryo attached होता है placenta की help से, वो woman pregnant कहलाती है and इस condition को क्या बोलते हैं, pregnancy. After this, at 2 month stage, मतलब जब उस mother की pregnancy को 2 month हो जाते हैं, the embryo start resembling the human form and is called fetus. जब वो थोड़ा थोड़ा, जैसे आप इस थर्ड डायग्राम में देख सकते हो, जब वो थोड़ा थोड़ा ह्यूमन जैसा दिखता है, जब वो ह्यूमन से रिजेंबल करने लगता है, इस स्टेज पे उसको बोलते हैं फीटस. द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फीटस इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 280 डेज विच इज अप्रोक्सीमेटली 9 months एंड मदर गिव्स बर्थ टू अ बेबी. द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन. राइट, और जब एक मदर बेबी को डिलीवर करती है, बर्थ देती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन. राइट, आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबीज आर कॉल्ड विविपेरस. फॉर एग्जाम्पल डियर, मैमल्स, दे नर्स देयर बेबी, मतलब वे अपने बच्चे को खुद खाना खिलाते हैं. कैन यू नेम द यंग वंस ऑफ डिफरेंट विविपेरस एनिमल्स? यस, डॉग, कैट एटसेट्रा. The animal which lays eggs to give birth their babies are called oviparous, right? जो अपने बच्चों को जन्म देने के लिए अंडे देते हैं उनको oviparous बोलते हैं. For example, insects, fish, frogs, birds and reptiles are oviparous. In some oviparous animals like fishes and frogs, eggs are fertilized outside the female body. कुछ oviparous ऐसे भी होते हैं, fish और frogs, जो कि हम already external fertilization में पढ़ चुके हैं, तो इनमें जो fertilization होता है वो body के बाहर होता है. But in reptiles and birds, the eggs are fertilized inside the female body, right? Oviparous animals में fertilization internal भी होता है, external भी होता है, depends on the type of organism, right class? So that's all for today. Thank you so much, everyone.